हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेंशन किस तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर, उसका एक लाइव डेमो देखेंगे। दोस्तों, पेंशन विड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है अगर उसका कंपैरिजन हम पीएफ विड्रॉवल से करें तो। आराम से विड्रॉ किया जा सकता है। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें देना पड़ता है और उन बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। डेमो के साथ साथ हम उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जिनका हमें ख्याल रखना है जब हम पेंशन के विड्रॉवल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, और ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पेंशन और पीएफ से जुड़ा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं पीएफ और पेंशन से रिलेटेड। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, 100% आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के लिए आप देखिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ऑनलाइन क्लेम और मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस पर क्लिक कर दीजिए। एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर करना और बाद में साइन इन पर क्लिक कर देना। बहुत ही आसान है। दोस्तों, जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से हमें पेज दिखाई देगा। यहाँ पर लेटर पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें दो तीन चीजों का ध्यान देना है। दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है, आपको व्यू में जाना है, आपका प्रोफाइल चेक कर लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, देखिए मेंबर्स प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इनकेस अगर कुछ रॉन्ग है इसमें से तो आपको इसको सही करा लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको केवाईसी का डिटेल, मतलब आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल आपको वेरीफाई करा लेना है। इनकेस अगर नहीं हुआ है तो केवाईसी के जरिए यहां पर क्लिक करके भी आप केवाईसी के पेज पर जा सकते हैं। अदरवाइज आप मैनेज में जाएंगे तो यहां पर भी केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना डिटेल फीड कर सकते हैं और केवाईसी होना बिल्कुल ही जरूरी है, तभी आप पेंशन का पैसा विड्रॉ करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। तो प्रोफाइल नेम और केवाईसी दोनों हुआ होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान देना है कि सर्विस हिस्ट्री में जाना और आपको देखना है कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। तो हमारे केस में डेट ऑफ एग्जिट हम देख सकते हैं अपडेटेड है, पेंशन में भी और पीएफ में भी। दोस्तों, हमें जिन जिन चीजों का रिक्वायरमेंट था वो सब कुछ हमारे पोर्टल पर अपडेट हुआ है। प्रोफाइल डिटेल्स, केवाईसी और हमारा डेट ऑफ एग्जिट वगैरह सब कुछ अपडेट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना पेंशन अमाउंट क्लेम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम होम पेज पर चले जाते हैं। क्लेम फाइल करने के लिए हमें ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31-19-10C-10D का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक आपने केवाईसी में यहाँ सीड कराया था, यहाँ लिंक कराया था, उसका आखिरी का 4 डिजिट यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसको इंटर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने बैंक अकाउंट नंबर जो कि लिंक है हमारे यूएन नंबर के अगेंस्ट, उसका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पर। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से स्क्रीन आएगा, यस पर क्लिक कर देना है। यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस तरीके से पेज आ जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब हम पेंशन विड्रॉ करते हैं तो हमें फॉर्म 15G अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, मतलब हमें फॉर्म नंबर 15G या फॉर्म नंबर 15H का अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो वो हमें बनाना नहीं पड़ता, उसका हमें टेंशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों, एक चीज हमें और ध्यान देना है कि जो भी बैंक का डिटेल हमारे यूएन पोर्टल पर अवेलेबल है, उसी बैंक डिटेल का हमें एक चेक या पासबुक का कॉपी यहां पर अटैच करना पड़ेगा आगे चलकर। और उस पासबुक के कॉपी या चेक बुक पर क्लियरली हमारा नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड होना चाहिए। ये तीनों चीजें होना चाहिए। दोस्तों, इनकेस आपने यूएन पोर्टल पर जो बैंक डिटेल्स लिंक कराया था वो बैंक आपके पास आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, तब क्या कर सकते हैं? तब आपको क्लेम करने से पहले आपको फिर से केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी में आपको अपना बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ेगा, जो आपके पास लेटेस्ट जिसका चेकबुक है, पासबुक है, वो डिटेल आपको अपडेट कराना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको क्लेम करना है। तो इस चीज का आप सबको ध्यान देना है। अब ये पेज आ गया है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर हमें सेकेंड ऑप्शन है पेंशन विड्रॉल के लिए, इस पर हमें क्लिक कर देना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए और नीचे कुछ डिटेल्स आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले हमें इम्प्लॉई एड्रेस डालना है। काफी लोग पूछते हैं, जब हमने पीएफ का वीडियो बनाया तो काफी लोग पूछते हैं कि इम्प्लॉई एड्रेस में किसका डालना है। इम्प्लॉई एड्रेस में हमें खुद का ही एड्रेस डालना, क्योंकि हम ही इम्प्लॉई थे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना, गलती से आपको इम्प्लॉयर का एड्रेस नहीं डाल देना, अपना खुद का एड्रेस डालना है, जो कि हो सकता है आधार कार्ड पे हो, तो वो डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी से इम्प्लॉई का एड्रेस पहले इंटर कर देते हैं और उसके बाद हम अपलोड करेंगे चेक या पासबुक का कॉपी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगेगा, तो आपको वो भी बना लेना है। दोस्तों जो भी आप कॉपी बनाएंगे चेक का और पासबुक का, वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। बहुत ही आराम से आप फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके आराम से, बहुत सारे टूल्स हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, 200-250 KB में आपका अच्छा सा फोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं सबसे पहले अपना एड्रेस इंटर कर देता हूँ। दोस्तों आपको बिल्कुल सही एड्रेस यहां पर इंटर करना है, रॉन्ग एड्रेस नहीं इंटर करना है। इनकेस आप अगर रेंट पर रहते हैं तो आप अपना परमानेंट एड्रेस, जहां पर कोई कम्युनिकेशन हो तो आपको मिल जाए, वो एड्रेस आप यहां पर डाल सकते हैं। एड्रेस अब हमने यहां पर इंटर कर दिया हुआ है, अब हम अपलोड करेंगे चेकबुक या पासबुक का कॉपी। तो हमारे पास पासबुक का कॉपी है, तो हमने यहां पर कॉपी अपलोड कर दिया है। अब नीचे आएंगे तो यहां पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने का यह मतलब होता है कि हमने जो भी डिटेल दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत डिटेल हमने नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि जो भी आधार नंबर है, बैंक डिटेल्स है, पैन नंबर है, वो सब वेरीफाई किया हुआ है, KYC हुआ है, जो बैंक डिटेल है उसमें ही हमारा पैसा आना चाहिए, ये सब हम यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, ये देखिए, प्लीज मेक द पेमेंट इन टू द बैंक अकाउंट मेंशन इन UAN पोर्टल, तो ये सब हम मानते हैं। आगे अब बढ़ेंगे इस पर क्लिक करने के बाद तो गेट आधार OTP का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए, सक्सेस OTP हैज बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर। दोस्तों एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना है कि यह OTP आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उस पर जाएगा। हो सकता है आपके UAN पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर है और जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो दोनों अलग अलग हो, इसलिए आपको आधार वाले मोबाइल नंबर पर चेक करना है, वहां पर ही OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा आपको यहां पर इंटर कर देना है। दोस्तों यहां पर OTP आ गया है, हम इसको इंटर कर देंगे और फिर यहां नीचे बटन है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखिए, ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक मैसेज आया है, OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक रिसिप्ट आ जाएगा, उसमें पूरा डिटेल दिया गया होगा, हमारा UAN नंबर, मेंबर का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब डिटेल दिया होगा जो हमने यहाँ पर फीड किया हुआ, और आखिरी में जो बैंक का डिटेल है ये देखिए इस तरीके से वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि हमने कौन से बैंक का डिटेल दिया है। उसके अलावा ऊपर ट्रैकिंग ID भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये इस तरीके से हमें रिसिप्ट आ जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं, हमने सेव कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि कितने दिन लगते हैं क्लेम सेटल होने में, मतलब कितने दिन लगते हैं पैसे हमारे अकाउंट में आने में। तो दोस्तों डिपेंड करता है कौन सा एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उस हिसाब से अलग अलग तरीके का डेट हम बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि 5 दिन से लेके आपको 14-15 दिन के अंदर क्लेम सेटल हो जाता है, मेरा एक्सपीरियंस यही है। हमने जितनी बार भी फाइल किया मिनिमम 5 दिन लग जाता है और मैक्सिमम 14 डेज ही लगा है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लगा। लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे मुझे खुद भी कमेंट आए हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गया और क्लेम सेटल नहीं हुआ है। तो ऐसे रेयर केसेस में हो सकता है, बट जो टाइम फ्रेम है ना वो मैं 5 दिन से लेकर 14 दिन का यही टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से पेंशन विड्रॉ करने का एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म 10C कैसे भरा जा सकता है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी हमने जाना।
कितने दिन लगते हैं पेंशन को सेटल होने में, वो भी एक अनुमान हमने जान लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है अभी आज की तारीख में। तो प्रोसेस ट्रैक करने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि कम से कम 5-6 दिन के बाद ही ट्रैक करें तो सही होगा। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, और यहाँ पर ये जो पहला लाइन है वो हमने अभी अभी एप्लीकेशन डाला हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 21 तारीख को हमने डाला हुआ है, अभी सबमिट हुआ है पोर्टल पर, अभी ये फील्ड ऑफिसर के पास नहीं गया। इसके पहले भी हमने एक पीएफ का क्लेम डाला हुआ था अगस्त में, तो वो सक्सेसफुली क्लेम सेटल हो गया था, सक्सेसफुली पैसा भी आ गया था। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों पीएफ और पेंशन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट अभी आपको मिल जाएगा आगे इस वीडियो के अंत में, तो आप उस पर क्लिक करके बहुत सारे वीडियोज हैं आप चेक कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे यूजफुल उसमें टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।